राष्ट्रीय जनता धन्यवाद दल का एसएसपी एचपी जनार्दन के नेतृत्व में बैंक मोड़ थाना के सभी शहरी थानेदारों के साथ बैठक की और उन्हें अपराध नियंत्रण, चोरी, छिनतई, डकैती, बाइक लिफ्टिंग समेत अन्य तरह के अपराध पर अंकुश लगाने का टिप्स भी दिया। बैठक में विधि व्यवस्था डीएसपी दीपक कुमार, हेडक्वार्टर एवं डीएसपी शंकर कामति सहित सभी शहरी क्षेत्र के थानेदार और दरोगा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सभी पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई कि चोरी पर किस तरह से अंकुश लगेगा और पूरी तरह से अंकुश लगाना है। इस तरह की घटनाओं से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। नए कानूनों को इंप्लीमेंट कैसे करना है इसकी भी जानकारी थानेदारों को दी गई। आज यहाँ पे बैंगमोड़ थाना में कुछ टाउन थाना का प्रभारी एवं थाना का बाकी पदाधिकारी लोगों के साथ एक बैठक किया गया कि खास करके टाउन पुलिसिंग या सिटी पुलिसिंग को कैसे सुधारना है और सिटी में कुछ विगत कुछ दिनों से होने वाला चोरी का घटनाएं एवं बाइक चोरी का घटनाओं पर रोक कैसे लगाना है उस पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पे हम लोग चोरी का केसेस को कैसे डिटेक्ट करना है उस पर इन लोगों को विस्तृत तरीके से जानकारियाँ दिया गया और चोरी एवं हाउस बर्गलरी एवं बाइक का चोरी होता है तो उसमें क्या एसओपी फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन करना है उसके बारे में इन लोगों को जानकारी दिया गया। साथ में अभी हमारा जो नया एक्स भी आया हुआ है उस एक्स के बारे में भी यहाँ थाना प्रभारी और थाना का बाकी पदाधिकारी लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी दिया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी के पास 25 जून को सीआईडी में कार्यरत डीएसपी सरिता मुर्मू से सोने की चेन छिनतई मामले में रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लूटकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर चेन के साथ 11,500 रुपए जब्त किए गए हैं। दिनांक 25 जून को एक घटना घटी थी, जो सीआईडी की डीएसपी हैं सरिता मुर्मू, उनका चेन बदमाश छीन कर ले गए थे। बाइक पर सवार 2 अपराधी थे। इसके लिए एक एसआईटी गठित किया गया था डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में, और टीम ने काफ़ी मेहनत किया और अल्टीमेटली जो है अपराधी तक सूत्र मिलने के बाद ये लोग पहुँचे। तो उसमें 2 अपराधी जिसने छीना था वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं और उन लोगों ने जो चेन जिस चोरी का सामान जो चोरी का सोना है खरीदने वाले एक दुकानदार हैं जिसको बेचा था उस दुकान के 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक और आदमी फरार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।